हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए ABCID जो है वो कंपलसरी है। और ABCID के लिए आप लोगों के आधार कार्ड के ऊपर आपका फोन नंबर जो अपडेटेड होना चाहिए, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स के आधार में उनका नंबर अपडेटेड नहीं है। और काफी सारे आधार सेंटर्स पे स्टूडेंट्स को उनका नंबर अपडेट करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आधार कार्ड जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो इमीडिएटली, और आपका जो नंबर है वो अपडेट करवा सकते हो, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिकॉज क्या होगा कि जब तक आप लोगों का यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर फोन नंबर अपडेट नहीं होगा, तब तक आपका ABCID नहीं बनेगा, और ABCID के बिना आप लोग आपका ऑनलाइन फॉर्म जो भर नहीं सकते हो। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एडमिशन के डेट जो आगे आगे जा रहे हैं, और उसके वजह से आप लोगों को एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है। सो देखते कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना है, जो है UIDAI.gov.in। इस वेबसाइट पे जाओगे तो उसका इस तरीके से आप लोग को इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें से माय आधार ये ऑप्शन में आपको जाना है। फिर वहां से आपको क्या करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, बुक एन अपॉइंटमेंट एट यूडाई रन आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है मुंबई लोकेशन जो है वहां पे। अभी यहाँ पे एक याद रखना है कि मुंबई में जो साकिना का एरिया है अंधेरी, वहां पे आप लोगों को इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इनकेस अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे आपको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मिल रहा है कहीं पे अपॉइंटमेंट तो आप लोग यहाँ पे साकिना का में जा सकते हो, और यहाँ पे आप लोग आपका फोन नंबर जो है वो अपडेट करना है, या दूसरा भी कोई अगर डिटेल आपको अपडेट करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मुंबई लोकेशन में मैंने क्लिक किया, फिर बाद में प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे दिया है कि आपको आधार कार्ड में अपडेशंस करने हैं, या नया आधार कार्ड चाहिए, या फिर आपकी अपॉइंटमेंट आपको मैनेज करनी है। तो आपको आधार कार्ड में अपडेट करना है, तो इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका फोन नंबर जो होगा वो फोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो कोड दिया है वो कोड एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी करना है, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी करना है। उसके बाद में देखो, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका आधार नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर जो है सिलेक्ट करना है। फिर आधार कार्ड के ऊपर जैसा आपका नाम लिखा है वैसा ही सेम नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, उसमें से डॉक्यूमेंट ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि महाराष्ट्र हो सकता है तो महाराष्ट्र स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिटी में आप लोगों को यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे मुंबई, अगर आपका सिटी है तो मुंबई सिलेक्ट करो। और फिर आधार सेवा केंद्र जो है उसके ऊपर क्लिक करके ASK मुंबई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आधार नंबर एंटर किया, आधार के ऊपर का आपका नाम एंटर किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका स्टेट सिटी, और आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आपको क्या अपडेट करना है, जैसे नाम अपडेट करना है, जैसे लड़कियां होती है तो शादी के बाद में नाम चेंज होता है, तो नाम अगर अपडेट करना है, या आपके आधार कार्ड में नाम में कोई अगर करेक्शन है तो वो कर सकते हो। जेंडर अगर आपको करेक्ट करना है, न्यू मोबाइल नंबर अगर आपको अपडेट करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप लोग मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, या बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक में आप लोग आपका फोटो और आपका फिंगरप्रिंट जो है अपडेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कितना फीस है करके। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे मोबाइल फोन और फोटो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फीस आया 100। सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फीस आता है 50 रुपीज। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आपका क्या करना है, क्या अपडेट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद में वो आपको पूछ रहा है कि आपको कौन से दिन की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रेड का मतलब क्या है कि उस दिन पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग नेक्स्ट डे जा सकते हो। जैसे कि आज 10 तारीख है, तो ऑब्वियसली आज जो है आप लोगों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा नहीं। 11 तारीख को अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे तो 11 तारीख को देखो आपको सब ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अवेलेबल स्लॉट है। तो आपको कौन से स्लॉट में जाना है, जैसे कि 9 से 9:30 के बीच में जाना है, 9:40 to 9:50 के बीच में जाना है, 9:50 to 10 के बीच में जाना है, तो यहाँ पे आपको स्लॉट्स दिए हैं और कितने स्लॉट अवेलेबल है वो भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 9 से 9:30 के बीच में 65 स्लॉट अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए जो भी सुटेबल टाइमिंग होगा वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दिया है,
और फिर बाद में आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सपोज आपको 11 तारीख को पॉसिबल नहीं है तो 12 तारीख, 13 तारीख, जो भी आपको तारीख चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आप लोगों का जल्दी जल्दी फोन नंबर अपडेट करना जरूरी है, बिकॉज आप लोगों का एबीसी आईडी नहीं बन पा रहा है और उसकी वजह से आप लोग यहाँ पे एडमिशन का फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना आप लोग अपॉइंटमेंट ले लो, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको देखो यहाँ पे सारे डिटेल दिए हुए हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन जो उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लीज इंश्योर दैट फील्ड इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट वन सबमिटेड, द इन्फॉर्मेशन कैनॉट बी एडिटेड। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है क्या, और आपको कंटिन्यू करना है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप ओके के ऊपर क्लिक करो। अभी आप लोग इस तरीके से यहाँ पे अगर सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद में आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट आप लोगों को कर देना है। और फिर बाद में आप लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट लेके आप लोगों को जो साकिनाका का एड्रेस है वहां पे जाना है और वहां पे आप लोगों का जो भी नंबर अपडेट करना है वो आप अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी अपना जो आधार का मोबाइल नंबर अपडेशन है उसका काम खत्म कर लो, ताकि आप लोगों का एबीसी आईडी बनेगा और आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज एबीसी आईडी जो है वो कंपलसरी है। बिना एबीसी आईडी के आप लोगों का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे। मेरे चैनल के ऊपर एबीसी आईडी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में एक वीडियो है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि एबीसी आईडी के इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसा क्वेश्चन होता है कि एबीसी आईडी क्यों बनाना, उसका क्या यूज है, तो एबीसी आईडी जो है उसके क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके आप लोगों का पूरा एजुकेशन जो है वो एबीसी आईडी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। दूसरी चीज, अगर सपोज आप लोगों को नियर बाय कहीं पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है वहां पे अगर आप आपका फोन नंबर अपडेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जहां पे आपको जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगा वो अपॉइंटमेंट लेके आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो भी मोबाइल नंबर है अपडेट करवा सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे अभी आप लोग जो कुछ भी करोगे सब कुछ आपके आधार कार्ड से लिंक होते जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को आपके आधार कार्ड के जो डिटेल्स है वो करेक्टली यहाँ पे अपडेट करने हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों का प्री एडमिशन फॉर्म जो यूनिवर्सिटी का वो किस तरीके से भरना है उसका भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो और आप लोगों का करेक्ट यहाँ पे जो प्री एडमिशन का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। बिकॉज प्री एडमिशन फॉर्म में अगर आप लोग कुछ भी गलतियां करोगे तो उसके वजह से क्या होगा, आपका जो डिग्री आएगा वो डिग्री के अंदर भी आप लोगों का वो जो नाम का मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक है वो आप लोगों का रिफ्लेक्ट होगा। जो डिटेल आप लोग वहां पे अपलोड करोगे सेम डिटेल जो यूनिवर्सिटी में अपडेट होने वाला है। सो बेटर आप लोग क्या करो, आप लोगों को आपका जो प्री एडमिशन का प्रोफाइल है वो एक ही बार क्रिएट करना है, पर उसमें आपकी डिटेल जो करेक्ट डालने हैं। मैंने ऑब्जर्व किया काफी सारे स्टूडेंट जो अपना नाम बराबर नहीं लिखते हैं, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज पूछा है वहां पे मराठी में नाम लिखना है, तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, गुजराती होंगे तो गुजराती में नाम लिखते हैं या जो भी उनकी भाषा होती है वो भाषा का नाम लिखते हैं। ऐसा नहीं है, रीजनल लैंग्वेज मतलब आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र के रीजनल लैंग्वेज है मराठी, तो वो लिखना है। एड्रेस बहुत सारे स्टूडेंट्स बराबर लिखते नहीं है, जैसे अपना रूम नंबर होना चाहिए, फिर आपका जो भी चौल है या आप लोग का सोसाइटी का नाम है वो लिखना चाहिए, फिर आप लोग कौन से एरिया में रहते हो, फिर आपका स्टेशन कौन सा है, मुंबई का पिन कोड नंबर क्या है, तो वो सब जो पूछा जाता है वो बच्चे बराबर लिखते नहीं है। फिर बाद में अपना एनुअल इनकम अपडेट नहीं करते हैं या 10th का या 12th का डिटेल बराबर भरते नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं। तो इनकेस अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होता है और आप लोगों को आपका जो प्री एडमिशन का प्रोफाइल है वो वापस से अगर सपोज आप लोगों को एडिट करना है तो उसको कैसे किया जाता है उसका भी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो एडमिशन के रिलेटेड मोस्ट ऑफ आपकी जो क्वेरीज है उसके वीडियोज मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग प्रॉपर रिसेंट वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को वहां पे वीडियो मिल जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट जल्दी जल्दी आप लोग आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करोगे और आपके जो भी आधार के अपडेशन है वो अपडेशन आप जल्दी जल्दी करो, बिकॉज आपको सिर्फ एडमिशन नहीं तो दूसरे भी काम जो है फ्यूचर में उसके लिए आप लोगों को ये काम में आने वाला है। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।